प्यार दिए गए गरीबों के आशियाने, कहते हैं सत्ता चढ़कर बोलती है और प्रशासन भी सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक होता है। ऐसा ही मामला आज नरसिंहपुर स्थित विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के घर के पास देखने को मिला, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर नेताजी के आलीशान बंगले की शोभा बिगाड़ रहे गरीबों के आशियानों को तोड़ दिया। पीड़ितों के मुताबिक वो पिछले 3 सालों से यहां काबिज हैं और प्रशासन ने उन्हें पट्टा भी दिया था, लेकिन नेताजी को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी क्या हुई, हमारी दुनिया ही उजाड़ दी गई। जबकि खुद नेताजी के वाहन खड़े करने का जो पोर्च बनाया गया है वो सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया है, लेकिन नियम केवल गरीबों पर ही लागू होते हैं। जहां आज ही नोटिस दिया और तुरंत घर भी तोड़ गए और कोई मोहलत भी नहीं दी गई। तहसील कार्यालय द्वारा की गई इस कार्यवाही पर जब कार्यवाही को अंजाम देने वाले अधिकारी से सवाल किए गए तो वे कार्यवाही को अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही बता रहे हैं, लेकिन बिना कोई पूर्व सूचना के पट्टाधारियों के मकान तोड़ने पर सवाल किया गया तो वह बात को टालती नजर आई। क्या हुआ है? नोटिस दिया और घर तोड़ने लगे। कब दिया था नोटिस? आज ही के लिए। क्यों तोड़ा गया, क्या क्या लगता है? क्या लगे, कहना चूल की जगह है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? हम तो बहुत सालों से रह रहे हैं, 18 साल हो गए यहाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि राजनीति के चक्कर में तोड़ा गया है? नहीं, हाँ इसलिए तोड़ा गया। बाजू में किसका मकान है? बाजू में हमारे जेठानी का है। ये किसका मकान है? जेएमपी प्रजापति का, विधानसभा अध्यक्ष का। हाँ, ऐसा नहीं उनको खुश करने के लिए तोड़ा हो? क्या मालूम तोड़ा होगा, अब उनकी गाड़ी निकलेगी इसलिए तोड़ दी। उन्हें छपड़ी नहीं पोसा रही है, गरीबों की झोपड़ी और का नहीं पोसा रही ना, गरीबों की झोपड़ी, इसलिए वे का कहते हम बोल रहा है कि तोड़ो। अब भैया अपन तो बोल, तुम तोड़ रहा है तो हमने बोल दी तोड़ लो, और क्या है, गरीब कहाँ जाएगा अब, गरीब का अब कहाँ जा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा एक लड़का है शिवम नाम। अब कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे? अब कहाँ, यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा कौशल्या नाम। क्यों तोड़ गए आपका मकान? एमपी प्रजापति ने कही है नगर पालिका में जाकर कि हमारी यहाँ से गाड़ी निकलेगी, ये जो छपड़ी तोड़ो, यहाँ से रोड बनेगी, ये नाली बंद करो, उन्हीं ने करवाया है जैसे। आप तो क्या लगता है अब कहाँ जाएंगे आप लोग, गरीब लोग? अब हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो अब यहीं रहेंगे। अब हमारे यहाँ से तो है नहीं है जगह का, हम कहीं और चले जाए, कोई हम पैसा वाले तो है नहीं है कहीं और कहीं चले जाएं। प्रशासन मतलब नेताओं को खुश करने के लिए गरीबों के मकान तोड़ रहा है? गरीबों का मकान तोड़ ही रहा है वो, जबकि ये बाजू की दीवार नहीं तोड़ी। बाजू की दीवार नहीं तोड़ी, जबकि कह रहे थे बाजू की दीवार भी टूटेगी, परवाह नहीं तोड़ी उनने, हम गरीबों की दो जगह की तोड़ गई। पट्टे वगैरह हैं आपके? पट्टे वगैरह सब है हमारे पास, फोटो कापी भी है, पट्टा भी है, सब कुछ है। वो नेताओं को खुश करने के लिए गरीबों को मकान तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है गरीबों को। क्या नाम है? सविता।